प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद के बेटे असद ने पुलिस को चकमा देने के लिए हत्याकांड से पहले ही हैरान कर देने वाली तैयारी कर रखी थी और इसके लिए असद ने एक दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन खरीदे थे। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड से पहले असद ने 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदे थे। ये सभी फर्जी नाम और पते पर खरीदे गए थे। हत्याकांड के बाद हर शूटर को 3-3 सिम और मोबाइल फोन दिए गए। एसटीएफ प्रयागराज के कटरा इलाके से मोबाइल सिम कार्ड देने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी शूटर्स पकड़े जाएंगे। वह सभी चीजें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि शूटर्स की लोकेशन पुलिस को अब तक क्यों नहीं मिल पाई है? क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? पुलिस के हाथ इतने दिन बाद भी खाली क्यों है? दरअसल पुलिस शूटर्स तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि हत्या में शामिल हर शूटर ने अपने पुराने मोबाइल फोन और सिम कार्ड से बात करनी छोड़ दी है, यानी उनकी प्लानिंग पहले से ही फुल प्रूफ थी। उन्हें पता था कि इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा देगी, इसलिए उन लोगों ने पहले से ही नए मोबाइल फोन और सिम का इंतजाम कर रखा था। अब पुलिस सिम कार्ड देने वाले शख्स से नए सिम कार्ड के नंबर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस आरोपी शूटर्स की तलाश में यूपी के कई शहरों, गुजरात और नेपाल तक छापेमारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि यूपी पुलिस गुजरात के होटल्स में भी आरोपियों की तलाश कर रही है। गुजरात भी गई है अतीक से पूछताछ करने? ये सब चीजें जाती रहती हैं, टीमें वो विवेचक भेजते हैं, वहाँ कमिश्नर के द्वारा समय समय पर इसकी ब्रीफिंग की जाती है। और इस बीच अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन को लेकर भी एक खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स को पैसे शाइस्ता परवीन ने ही दिए थे और ये पैसे लाखों रुपयों में थे। ये भी पता चला है कि शाइस्ता परवीन ने पैसे उमेश पाल की हत्या करने से पहले ही शूटर्स को दे दिए थे। हत्याकांड में शामिल शूटर्स को पैसा देने की पुष्टि होने के बाद ही पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। यही नहीं, अतीक के करीबी सुधांशु त्रिपाठी उर्फ बल्ली पंडित ने क्राइम ब्रांच के सामने कई राज उगले हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने बल्ली पंडित के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाला है, जिसमें अतीक के करीबियों से बातचीत की जानकारी मिली है। ये भी पता चला है कि शूटआउट से 5 दिन पहले शाइस्ता परवीन बल्ली पंडित के घर भी गई थी। दरअसल उमेश पाल की हत्या से 5 दिन पहले का एक सीसीटीवी सामने आया था। इसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता और आरोपी शूटर साबिर एक साथ जाते दिखे थे। रविवार की रात क्राइम ब्रांच ने बल्ली पंडित को प्रयागराज के करबला इलाके में मौजूद उसके घर से हिरासत में लिया था। सूत्रों के मुताबिक बल्ली पंडित ने पुलिस को बताया है कि लखनऊ के एक बड़े बिल्डर ने उमेश पाल की हत्या कराने के लिए अतीक के बेटे को 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। प्रयागराज शूटआउट को हुए 18 दिन बीत चुके हैं, सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर फरार शूटर्स पर इनाम की रकम को डबल कर दिया है। असद, अतीक अहमद का बेटा जो सीसीटीवी में गोली चलाते हुए दिखाई दिया था, इस पर इनाम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। शूटर अरमान पर भी इनाम अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मोहम्मद गुलाम पर भी इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यही दुकान में कस्टमर बनकर खड़ा था और बाद में पिस्तौल से गोलियां दागने लगा। बमबाज नाम से मशहूर गुड्डू मुस्लिम पर भी इनाम की राशि अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसी ने थैले से बम निकालकर कार पर फेंके थे। और शूटर साबिर पर भी इनाम अब 5 लाख रुपए है। ये पीछे से राइफल लेकर बैकअप के लिए आया था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सिर्फ शूटर्स पर ही नहीं बल्कि शिकंजा यूपी सरकार अतीक अहमद के करीबियों पर भी कसने लगी है। इसकी शुरुआत प्रयागराज से हुई थी और अब लखनऊ में भी अतीक अहमद और उसके करीबियों की अवैध संपत्ति पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। अतीक के गैंग ने जो भी प्रॉपर्टी खड़ी की है उन पर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अतीक से जुड़ी संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है और अगले 2-3 दिनों में इसका खुलासा हो सकता है कि अतीक के किन किन करीबियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधी के साथ इनके गुर्गों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में लगातार यूपी के अलग अलग शहरों में अतीक के साथियों, फाइनेंसर्स और उसका गैंग चलाने वालों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है।
और इधर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसे 25 अवैध निर्माण की लिस्ट तैयार की है जो अतीक अहमद के करीबियों से जुड़े हुए हैं। इस लिस्ट में शूटर्स मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और उनके सहयोगियों के नाम शामिल हैं। उस लिस्ट में शूटर गुलाम का भी घर है। ये घर प्रयागराज प्रशासन के रडार पर है। जिसकी संख्या में जो अवैध निर्माण है उनको नोटिस दिया गया है। और आप देखें, ये हत्या में जो शूटर गुलाम जो कि फरार चल रहा है उसका ये घर है, और घर के बाहर ये जो दुकानें हैं आपको, ये बंद दुकानें जिसे पुलिस ने बंद करा दिया है, ये पूरा घर गुलाम का है और अब इस पर भी कार्रवाई होनी है। उधर बरेली की जेल में बंद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपनी जान की फिक्र सता रही है। अशरफ ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए फिजिकल पेशी से छूट की अपील की है, क्योंकि उसे आशंका है कि कोर्ट में पेशी के लिए बरेली से प्रयागराज ले जाने के दौरान कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए अशरफ ने सीजेएम कोर्ट से मांग की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट में पेश किया जाए, वो जांच में पूरा सहयोग करेगा। सीजेएम कोर्ट ने अशरफ की याचिका पर धूमनगंज पुलिस से 15 मार्च तक जवाब मांगा है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद भी कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की मांग कर चुका है। दोनों भाई ये मांग क्यों कर रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर के बयान से समझ में आ जाएगा। सड़कों पर एक्सीडेंट होता रहता है, हम लोग तो रोज प्रयास कर रहे हैं कि एक्सीडेंट ना हो। यूपीएसटीएफ की टीम अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुकी है। वहीं राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को सीबीआई कोर्ट ने स्थायी सुरक्षा देने का आदेश दिया है। जिस बरेली की जिला जेल में अतीक का भाई अशरफ बंद है, उसी जेल के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डीआईजी जेल आर्यन पांडे ने जेल के 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें एक जेलर, एक डिप्टी जेलर और 5 जेल वार्डन शामिल हैं। आरोप है कि अशरफ को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसके बैरक में मोबाइल फोन के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करवाई जाती थी। इस मामले में बंदी रक्षक शिव हरि अवस्थी और मनोज गौड़ पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली जिला जेल पे, और अपने दर्शकों को बता दूं कि यहीं पर जो है अशरफ यहाँ पर बंद है, और यहाँ पर जो सदाकत को गिरफ्तार किया था उसमें ये जांच में खुलासा हुआ था कि यहाँ पर जो अशरफ कैद है उसको बैरक में मोबाइल ले जाया गया था, और उसको लेकर अतीक अशरफ और उसके गुर्गों के बीच में प्लानिंग हुई थी। यही नहीं, जेल सुपरिंटेंडेंट राजीव शुक्ला को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया गया है। ऐसे आरोपों के बाद कि साबरमती और बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी और अतीक अपने एक गुर्गे के मोबाइल के जरिए भाई अशरफ से संपर्क में था, समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि जेल में अपराधी मौज करते हैं। अतीक जेल में जो साम्राज्य फला फूला, वहाँ पंचायतें लग रही हैं, वहाँ पर स्कूटर से गाँव जेल के अंदर लोग चल रहे हैं, तो ये सवाल ये है कि क्या ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से हो रहा है या ये दिल्ली के समर्थन से हो रहा है। अब यूपी के जेल मंत्री गुजरात के जेल मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे ताकि अतीक अहमद की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की है उसको हमें कायम रखना है और कहीं भी उस पे कोई धब्बा नहीं आने देना है। हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। उधर बीजेपी के एक विधायक ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उमेश पाल हत्याकांड में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है और अतीक अहमद जैसे अपराधी भी मारे जाएंगे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी जल्द ही मारे जाएंगे या उनके साथ कोई ऐसी घटना होगी कि वो उनको एक सबक सीखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन की नींद सोएंगे। वहीं सोमवार को यूपी के महोबा में सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी के एक्शन की जमकर तारीफ की। जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तावित किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के एनकाउंटर और बुलडोजर पॉलिसी का विरोध किया। सरकार की मंशा क्राइम को खत्म करना नहीं है, सरकार की मंशा ये है कि कहां अपने नफे और फायदे और नुकसान के लिए किसको कहां इस्तेमाल करना है। और इस वक्त अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। अतीक अहमद के गुर्गों की तलाश दरअसल तेज कर दी गई है। पासर गैंग की तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक टीम इस वक्त काम कर रही है। चित्रकूट से आजमगढ़ तक गाड़ियां पास करता था ये गैंग। पासर गैंग दरअसल इन गाड़ियों को चित्रकूट से आजमगढ़ तक पास कराता था। अतीक का करीबी ही बताया जाता है पासर गैंग भी, और इस गैंग पर भी अब यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।
वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारियों ने आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। महिला यात्री के ऊपर पेशाब करने वाले टीटी को लखनऊ जीआरपी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टीटी ने अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था। बेंगलुरु में रेलवे स्टेशन के बाहर ड्रम में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चैत्र नवरात्र के मौके पर राज्य के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तमशिका पाठ करवाने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत चैत्र नवरात्र और रामनवमी के मौके पर यूपी के सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन करवाए जाएंगे। तमाम मंदिरों में 9 दिन तक रामायण और दुर्गा सप्तशी का पाठ करवाया जाएगा। इसके लिए यूपी के संस्कृति सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी किया है। मंदिरों में होने वाले आयोजनों के लिए राज्य सरकार हर जिले को 1-1 लाख रुपए का फंड भी देगी। इतना ही नहीं, धार्मिक कार्यक्रमों के समन्वयन के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। संस्कृति विभाग की दलील है कि इन धार्मिक आयोजनों के जरिए स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आयोजनों के लिए कलाकारों के चयन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की कमेटी को सौंपी गई है और चुने गए कलाकारों को 1 लाख रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। योगी सरकार का धार्मिक ऐलान जारी होते ही इस पर सियासी घमासान भी मच गया। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिसकी कमान संभाली समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने, पहले भी रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के इस फैसले को दलित विरोधी और महिला विरोधी बताया। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। धर्म और सियासत की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कूदे और योगी सरकार के फैसले पर तंज भरे लहजे में ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, राम नवमी मनाने के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको पूजा पाठ करने की नसीहत दे डाली। तो आप भी उसमें बैठिए, अखंड रामायण तो जहाँ होती है, जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ श्री हनुमान जी आते हैं, जहाँ श्री हनुमान जी आते हैं तमाम भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जी नाम से। लेकिन कई सारे लोग, सपा के लोग, मौलाना लोग, वो करें कि तो संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, वो भी आकर के रामचरितमानस का पाठ करें, शुद्ध हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उनको, अभी जो मन में विकार है वो सब दूर हो जाएगा। अब चूंकि मामला धर्म से जुड़ा है इसलिए विपक्ष के ज्यादातर नेता इसके विरोध में कड़ी प्रतिक्रिया देने से बचते दिखे। वहीं कांग्रेस नेताओं का रुख इस फैसले पर बटा हुआ दिखा। क्योंकि प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक बार फिर धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की तैयारी कर रही है। सवाल सिर्फ एक रह जाता है कि जो पूजा हो वो लोग अपने आप करें, ढंग से करें, वातावरण अच्छा हो, या फिर उसको भी कोई भी किया ये कोशिश है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जिनकी भगवान राम में आस्था है वो हर बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम के सुर थोड़ा नरम दिखे और उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। तो बड़ी अच्छी बात है, मंदिर में तो पाठ पहले से ही होता, अब ये कोई नई बात तो है नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि विधानसभा में एक तो भगवान राम की प्रतिमा लगाई जाए।
चैत्र नवरात्र और रामनवमी के मौके पर सरकारी फंड से धार्मिक आयोजन करवाने के फैसले पर मुस्लिम समाज की राय भी बटी हुई दिखी। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने इस फैसले की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज के त्योहारों पर भी सरकार ऐसे आयोजन करवाएगी। मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले वक्त में लाजमी बात है कि दरगाहों के लिए, मजारों के लिए, कव्वालों के लिए भी एक कोई अच्छी खबर आएगी और सरकार दरगाहों के ऊपर भी ऐसे आयोजन कराएगी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि योगी सरकार का ये फैसला रामचरितमानस पर राजनीति करने वाले नेताओं के मुंह पर तमाचा है। मुझको लगता है कि तकलीफ उन राजनीतिक दलों को होगा जो कालनेमी वाला रूप धारण करते हैं, जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले कार्य करते हैं। उन्हीं नेताओं को तकलीफ है और उन्हीं को पेट में दर्द है जो कभी किसी भी धर्म पे राजनीति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानस पाठ से यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, इसके साथ साथ उसकी जो वातावरण पॉजिटिव, जो उससे ऊर्जा एनर्जी जो निकलेगी, उस ऊर्जा से आम जनमानस का कल्याण होगा। वहीं बिहार विधानसभा में माइक तोड़ने और गाली देने के मामले में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई की बात भी कह दी और फिर बीजेपी ने खूब हंगामा किया। दरअसल बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन पर गुस्से में माइक तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर अवध नारायण चौधरी ने कार्रवाई की बात कही थी। लखेंद्र पासवान जी, आपने हम आजादी कार्य किया है, आप जो है माइक तोड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है। यह गलत है इसलिए बाध्य होकर के आपके ऊपर आसन कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। स्पीकर की बात पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई और सत्ता पक्ष पर धमकी देने और लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं, प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष पर सवालों से बचने के लिए दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन ने माइक तोड़ने के आरोपों का बचाव किया और कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक ने उन्हें गाली दी ताकि वो डर कर चुप हो जाएं। सत्ता पक्ष के जो विधायक है सत्यदेव राम, वो गाली शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। दलितों के साथ इस प्रकार का अपमान और बिहार में बोलने नहीं दिया जाना, जनहित में बात उठाना अपमान है। हालांकि सरकार की तरफ से खुद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। जिस माननीय सदस्य ने माइक को तोड़ा, हम तो थे नहीं, लेकिन अभी कार्य मंत्रणा की बैठक में वीडियो भी चला और हम सब लोगों ने देखा। स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष का भी स्वभाव वैसे ही है, तो पक्ष तो लेंगे ही उनका। वहीं गाली देने का आरोप लगने पर सीपीआई एमएल के विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि उन्होंने किसी को गाली नहीं दी है। ये भाजपा के लक्षण है, झूठ बोलना, फरेब बोलना, अफवाह करना। ये वो अपने लक्षण के अनुसार ये बात बोली है। हमने किसी माननीय सदस्य को अपशब्द नहीं बोला है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार एक कार ने खड़ी जीप को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के वलसाड़ में देर रात भीषण अग्निकांड देखने को मिला। यहां 10 कबाड़ गोदामों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नासिक में लड़कियों के 2 गुटों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। मामूली विवाद के बाद छात्राओं ने बीच सड़क पर एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। एनकाउंटर से डरे एक कैदी ने हरदोई मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। कैदी पुलिस से गोली ना मारने का वादा करने की जिद करता दिखा। नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर सामान की चोरी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने जहां अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग की, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। इस हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए।
विदेशी धरती में जाके भारत का। लोकसभा में सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान ही जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो। विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और जेपीसी जांच की मांग की। इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसद भी खामोश नहीं बैठे और उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान पर उनसे माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। देश को बदनाम करने का काम बंद कीजिए, देश की तरक्की आपसे हजम नहीं हो पा रही है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के बढ़ते कदम राहुल गांधी को मंजूर नहीं, इसलिए देश को बदनाम करने का काम लगातार कर। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि लंदन में राहुल गांधी ने अपने बयानों के जरिए देश का अपमान किया और यही वजह रही कि संसद में राहुल के बयान पर जोरदार हंगामा जारी रहा। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब देश में संसद चल रही है तो राहुल गांधी कहां गायब है। अनुराग ठाकुर ने संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की गैर हाजिरी पर उन्हें घेर लिया और साफ कर दिया कि लंदन में दिए बयान पर राहुल गांधी को हर हाल में माफी मांगनी ही होगी। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने माफी की मांग की तो कांग्रेस भी राहुल के बचाव में उतर आई। अधीर रंजन चौधरी तो यहां तक कह गए कि माफी का सवाल ही नहीं उठता। क्यों माफी मांगेंगे राहुल जी, क्या क्या गुना की माफी मांगना है? माफी दिन लोगों को मांगना चाहिए, कोई परवाह नहीं हमें, जो मर्जी कर ले। कांग्रेस ने बीजेपी की माफी की मांग को एक साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी देश के असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर संसद परिसर में दिखाई दी। ममता बैनर्जी की पार्टी टीएमसी इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पोस्टर और तख्तियां हाथ में लिए खड़े दिखाई दी, जिसमें जेपीसी मांग लिखी थी। इस दौरान टीएमसी नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीआरएस के नेता भी पीछे नहीं रहे। संसद परिसर में इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर नारेबाजी की। संसद परिसर में इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग पर नारेबाजी की। कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई है कि अडानी मामले में जेपीसी की इंक्वायरी हो, उसको लेकर के संसद परिसर में आप देखें तो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी अडानी के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना रही है। डाइवर्शन टैक्टिक्स है भैया, बीजेपी का पूरा डाइवर्शन टैक्टिक्स है, अडानी के इश्यू पर चर्चा नहीं चाहते हैं बीजेपी। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अडानी के मुद्दे पर हंगामा सिर्फ संसद परिसर के अंदर ही नहीं हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ता जेपीसी जांच की मांग को लेकर राजभवन का घेराव करने भी निकले और इस विरोध प्रदर्शन की मार्च में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे नजर आए, जिन्होंने अपने हाथ में बड़े बड़े पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी, जिसमें केंद्र से अडानी के मुद्दे पर जवाब दिए जाने की मांग लिखी थी। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी के मुद्दे पर सरकार से उसकी खामोशी पर सवाल भी पूछा। हम चाहते हैं कि अडानी ने जो इतना बड़ा घोटाला किया है, जेपीसी की द्वारा इसके जांच कराई जाए, इसीलिए हम सब बार बार इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं और लगातार आवाज उठाते रहे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन बड़ी तादाद में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की इन तस्वीरों में साफ दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने कई बार बैरिकेड को पार करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वापस धकेल दिया। लेकिन जब हंगामा बढ़ता ही चला गया तो दिल्ली पुलिस को भी सख्ती अपनानी पड़ी। पहले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बाद भी जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस बीच हंगामे के बीच आग में घी डालने का काम किया राहुल गांधी के एक ट्वीट ने। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी को निशाना बनाया, क्या हिंदुस्तान की, और आरोप लगाया कि केंद्र ने कई बिजनेस डील में अडानी को फायदा पहुंचाया।
राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो क्लिप भी शेयर की। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नए बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं है। मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि विपक्ष बेवजह अडानी के मुद्दे को हवा दे रहा है। क्या आपके पास नैतिक आधार है कि जब SBI ने कह दिया, जब LIC ने कह दिया, KPC क्यों? बीजेपी भले ही राहुल गांधी को घेर रही हो, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक राहुल के बयान में कुछ गलत नहीं था। Pointed out yesterday, I don't believe that Rahul Gandhi has said anything that requires an apology. अडानी पर JPC जांच की विपक्ष की मांग के बीच बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश में इस समय कोई सुनना नहीं चाहता और इसलिए राहुल गांधी विदेश की धरती से देश का अपमान कर रहे हैं। लंदन में राहुल गांधी ने RSS पर भी तीखा हमला किया था, जिस पर पहली बार RSS ने भी उन्हें जिम्मेदारी से बोलने की नसीहत दी और ये भी कहा कि राहुल सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और सच्चाई क्या है वो सबको मालूम है। संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है। दत्तात्रेय होसबाले ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि एक नेता होने के नाते उन्हें थोड़ा गंभीरता से बात कहनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते ही शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं लोकतंत्र पर दिए राहुल गांधी के बयान पर भी दत्तात्रेय होसबाले ने जवाब दिया और उन्हें इमरजेंसी के दिनों की याद दिला दी। उन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था, उन्होंने आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। उनको लोकतंत्र के बारे में कहने के नैतिक अधिकार है क्या, देश पूछना चाहिए। RSS सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने ये भी कहा कि अगर आज देश में लोकतंत्र खतरे में होता तो ना देश में चुनाव होते और ना ही हम यहाँ इकट्ठा हो पाते। एयर इंडिया की फ्लाइट में सिगरेट पीने और स्टाफ के साथ बदतमीजी करने के आरोपों को मुंबई की एक कोर्ट ने जेल भेजने का फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना एयर इंडिया की लंदन से मुंबई की उड़ान के दौरान हुई। एयर इंडिया ने बताया कि रत्नाकर द्विवेदी नाम का ये यात्री फ्लाइट में ही सिगरेट पीने लगा था। इतना ही नहीं, आरोपी यात्री ने प्लेन का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की भी कोशिश की और जब एयर इंडिया के स्टाफ ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने उनके साथ बदतमीजी भी की। मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होते ही रत्नाकर द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान मुंबई की कोर्ट ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को IPC की धारा 336 के तहत दोषी पाया और जमानत के तौर पर 25,000 रुपए देकर छोड़ने का आदेश सुनाया, लेकिन रत्नाकर द्विवेदी ने जमानत के तौर पर 25,000 रुपए देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने ऑनलाइन पढ़ा है कि IPC की धारा 336 के तहत सिर्फ 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। रत्नाकर ने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करते हुए कहा कि वो सिर्फ 250 रुपए का ही जुर्माना भरेगा, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया और आरोपी को जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भोपाल में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी विधायक नितेश राणा और SP विधायक अबू आजमी के बीच बहस देखने को मिली। अबू आजमी ने लव जिहाद को साबित करने का चैलेंज दिया, जिसे बीजेपी विधायक ने कबूल कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नासिक में किसानों ने मार्च निकाला। अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में किसानों ने नासिक से मुंबई की ओर कूच किया। दिल्ली पुलिस ने मंत्रियों और अधिकारियों के नाम से ठगी करने वालों के खिलाफ बड़ी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस ने ट्रू कॉलर के साथ एक समझौता किया है, जिससे धोखाधड़ी करने वाले फोन नंबरों की आसानी से पहचान की जा सके। कंगाल पाकिस्तान की एक बार फिर नाक रगड़ने की नौबत आ गई। भारत की तरह आजाद फॉरेन पॉलिसी की नकल करने वाले पाकिस्तान को फिर से अमेरिका के सामने सिर झुकाना पड़ा।
और नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने IMF से ढील देने के लिए अमेरिका से मदद मांगने का फैसला किया। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार IMF के साथ स्टाफ लेवल समझौते पर आगे बढ़ने में नाकाम रही, जिसके बाद सरकार इस बाबत अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाएगी, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश ही IMF से पाकिस्तान को पैसे दिलवा सकते हैं। पर हुकूमत का अमेरिका से बातचीत करने का फैसला। पाकिस्तान को IMF से 1.1 अरब डॉलर की किश्त अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से देश कंगाली की कगार तक पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका ने आगाह किया है कि पाकिस्तान को तबाह होने से केवल IMF ही बचा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। दरअसल बहरीन में 146वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों का एक्सपोर्टर देश बता दिया। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. भारत की ओर से ओडिशा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने कहा कि आतंकियों की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान को मानवाधिकारों की बात करना शोभा नहीं देता। It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने की केंद्र सरकार की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ितों को 7,844 करोड़ रुपए का मुआवजा देने से जुड़ी केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को पहले ही कई गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर मुआवजे का और बोझ नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RBI के पास 50 करोड़ रुपए जमा है, जिनका इस्तेमाल केंद्र सरकार जरूरत के मुताबिक पीड़ितों की मदद करने में कर सकती है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 3,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि हजारों लोग स्थायी तौर पर दिव्यांग हो गए थे। उस त्रासदी के बाद 1989 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और केंद्र सरकार के बीच मुआवजे की रकम पर समझौता भी हुआ था, जिसके तहत यूनियन कार्बाइड ने पीड़ितों को 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस मुआवजे को कम बताते हुए 7,844 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि समझौते के 3 दशक बाद अब इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस ने मिसाइल से यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। मिसाइल हमले से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद चीन ने अब बड़ा फैसला लिया है। चीन कल से विदेशियों के लिए वीजा जारी करेगा। चीनी सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा उन भारतीयों को फायदा होगा जो चीन में पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ से तबाही मची हुई है। घरों में पानी भरने के कारण दर्जनों परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कनाडा के पूर्वी शहर क्यूबेक में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक ट्रक ने सड़क किनारे पैदल चल रहे कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हैं। वहीं ब्राजील में एक छोटा पैसेंजर प्लेन पैराशूट के जरिए आसमान में लहराता दिखाई दिया। बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इस प्लेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद इस प्लेन को पैराशूट की मदद से नीचे सुरक्षित उतारा गया। ब्राजील के घने जंगल के बीच हुई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की तस्वीरें देख लोग हैरान हैं। ब्राजील के बेलो होरिजोनेट इलाके में कुछ टूरिस्ट घूम रहे थे, तभी उनकी नजर आसमान से नीचे गिर रहे छोटे से प्लेन पर पड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में प्लेन के गिरने की रफ्तार धीमी हो गई। उसकी छत पर लाल और सफेद रंग का एक पैराशूट दिखने लगा। इस पैराशूट की रस्सी से प्लेन हिचकोले खाते हुए नीचे आने लगा और आखिरकार ये धीरे से जमीन पर गिर गया।
अच्छी बात ये रही कि लैंडिंग के दौरान प्लेन का कोई हिस्सा ना तो टूटा और ना ही इसमें आग लगी। एक विशेष तकनीक के जरिए प्लेन में लगा पैराशूट खुल गया, जिसने एक बड़े हादसे को टाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 28,000 फीट की ऊंचाई पर इस एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हुआ था। सिंगल इंजन वाले इस एयरक्राफ्ट में 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। लैंडिंग के बाद सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। आपने देखा कि पैराशूट ने कैसे 6 लोगों की जान बचाई। असल में छोटे प्लेन को एक विशेष टेक्निक की मदद से लैंड करवाया गया। इस टेक्निक को सिरस एयरफ्रेम पैराशूट सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डिवाइस होता है जो छोटे प्लेन में लगा होता है। इस डिवाइस को कम वजन वाले और छोटे एयरक्राफ्ट के लिए ही डिजाइन किया गया है। काफी हद तक ये कार में इस्तेमाल होने वाले एयरबैग टेक्निक से मिलता जुलता है, यानी आसमान में हादसा होने या इंजन बंद होने जैसी स्थिति में प्लेन में लगा पैराशूट एक झटके के साथ खुल जाता है और प्लेन को तेजी से जमीन पर गिरकर हादसे का शिकार होने से बचाता है। इस टेक्निक की मदद से 2014 में ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया गया था और उसमें सवार सभी लोगों की जान बच गई थी। जनवरी 2022 में अमेरिका में एक छोटा प्लेन इसी टेक्निक की मदद से हादसे का शिकार होने से बच गया था। अब अमेरिका के सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने से ग्राहकों की बेचैनी बढ़ गई। लोग इस कदर घबरा गए कि बड़ी संख्या में बैंक पहुंचने लगे ताकि अपने पैसे निकाल सके। सिलिकॉन वैली बैंक के बाहर तो ग्राहकों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि बैंक के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। That the officers, when a bank closes like this, the officers should go to jail for a few months. Because as far as I'm concerned, and a number of the people I talked to, they basically committed a crime. They were entrusted with our money and didn't do the job that they should have done. यही नहीं, ग्राहक ये कहते भी नजर आए कि 2 बैंकों के दिवालिया होने से उन्हें बड़ी सीख मिली है और अब वो एक ही बैंक में अपने सारे पैसे जमा नहीं करेंगे। Learned my lesson and I'm not going to put the money all in one place like I did here, so I'm going to spread it around. हालांकि ग्राहकों की परेशानी और बेचैनी को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए। बाइडेन प्रशासन ने सिलिकॉन वैली बैंक की देखरेख का जिम्मा FDIC यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को सौंप दिया, जिसे अकाउंट होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए 1933 में बनाया गया था। और FDIC के अधिकारी बिना देर किए सिलिकॉन वैली बैंक पहुंच गए, जहां उन्होंने ग्राहकों की दुविधा को खत्म करने की पूरी कोशिश की। FDIC अधिकारियों ने ग्राहकों को बताया कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और वो उसे निकाल भी सकते हैं। FDIC अधिकारियों ने कहा कि अगले हफ्ते से सिलिकॉन वैली बैंक खुल जाएगा। यही नहीं, अब से सिलिकॉन वैली बैंक का सारा काम पुराना स्टाफ नहीं बल्कि FDIC के कर्मचारी देखेंगे। सिग्नेचर बैंक पर भी इस हफ्ते के अंत तक FDIC का नियंत्रण हो जाएगा। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने बैंक के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया है, जबकि ये संकेत भी दिए हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की जनता को संबोधित करते हुए ये भरोसा भी दिया कि किसी भी अकाउंट होल्डर का पैसा नहीं डूबेगा और ना ही इस बैंकिंग संकट से किसी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा। जो बाइडेन ने जोर देते हुए कहा कि प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई कर रहा है ताकि लोगों का पैसा ना डूबे। Americans can have confidence. That the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. Joe Biden ne ye bhi bataya ki grahakon ke hiton ki raksha kaise hogi, unka paisa unhe kaise wapas milega. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the deposit insurance fund. हालांकि जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया कि सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने रिस्क पर पैसा लगाया था।